A charged particle having a charge q is moving with a speed along x-axis. It enters a region of space where an electric field E vector equals E j k j vector j cap होगा ये j vector j cap बना लो and the magnetic field B vector both are present. The particle on emerging from this region is observed to be moving along the x-axis only. Obtain an expression for the magnitude of B vector in terms of V and E. Give the direction of B vector. आपको कहा कि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड निकल गया. द पार्टिकल, पार्टिकल है ये, इलेक्ट्रॉन है. सिंस द मोशन ऑफ पार्टिकल, सिंस द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अनचेंज्ड, हेंस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स. लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स. अब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितना है? q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? q e वेक्टर. एक काम करते हैं हम, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट जस्ट इक्वल टू लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स. एक्चुअल में लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स का सम जीरो है, तभी तो मोशन अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. दोनों का सम इक्वल जीरो है. क्यू से क्यू कैंसिल हो गया. वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स माइनस ई वेक्टर. अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है बताओ? तो अब आपके लिए बी वेक्टर सिंपली क्या बना? बी वेक्टर इक्वल्स माइनस, बल्कि सब्स्टिट्यूट कर लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या दे रखी है? एक्स एक्सिस. तो ये बना आपका वी आई कैप क्रॉस बी वेक्टर, नहीं पता आपको, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? जे ई ई ई कहाँ है? ई जे कैप. ओके, अब यहां ध्यान से देखिए आप, आई कैप के साथ क्या चीज क्रॉस की जाए कि माइनस जी जे कैप आ जाए? नहीं, ये बनेगा एक्चुअली सिंस आई क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स माइनस जे कैप. तो इसलिए अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना बना? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका बन गया यहां से कितना? ई बाय सॉरी ई बाय वी. ये तो मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है. और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन क्या बन गई आपकी? नहीं नहीं देखो ना, बी वेक्टर में से क्या आना चाहिए? बी वेक्टर में से क्या आना चाहिए? तभी तो आई कैप के साथ के कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई कर माइनस जे कैप बनेगा. तो ये के कैप कहां से आया? बी वेक्टर में से आया है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू ई बाय वी के कैप. डायरेक्शन इसकी क्या होगी? के कैप क्या होता है? बी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. ये आपका आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई बी वेक्टर की.